जिसके साथ इन्हें संघर्ष किया है, जिसने संघर्ष नहीं किया है लेकिन संविदा कर्मी है, वो जरूर नियमित होगा। अभी मेरा विश्वास ये है और मेरी जहाँ तक बात हुई है वहाँ तक ये बात पुख्ता है कि 9 साल वाला नियमित होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पद जो सृजित किए गए हैं वो सभी 9 साल वालों के किए गए हैं। आप सब जानते हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे लिखने का शौक नहीं है, जो बातें होती है वो कभी मैं शो नहीं करता हूँ, इसलिए कुछ आज मेरे पास जो कॉल आए मैं स्पष्ट नहीं करूँगा, लेकिन डिपार्टमेंटल जो कॉल आए हैं उसके अनुसार आप चिंता नहीं करें, मैंने इशारे का ट्वीट भी किया है और इशारों में ही बातें होती हैं साथियों। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, देखो किस्मत अगर रूठी हुई है तो उसको खुदा ही नहीं जोड़ सकता, किस्मत रब ने लिखी है, ईश्वर ने लिखी है, लेकिन सरकार का 100% आपको नियमित करने का पूरा मंसूबा है। सरकार चाहती है कि आप नियमित हों, क्यों? क्यों आपने कल देखा होगा कि जैसे सीएम साहब की नज़र हम पर पड़ी थी, उन्होंने कहा कि 1,10,000 जो भी संविदा कर्मी हैं, संख्या ये नहीं है, डाटा अलग चीज़ हो सकते हैं, जो डाटा हैं उसके अनुसार उनको नियमित करने का काम कार्मिक विभाग में चल रहा है, आपने सुना भी होगा। उसके बाद मेरी नज़रें भी मिली थी, अभी जो डिपार्टमेंटल बात हुई है तो कॉलिंग हमारी हुई है, उसके मुताबिक आपको कुछ और मिलेगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, इस बात को भूल जाइए कि आप नियमित नहीं होंगे, आप सभी नियमित होंगे और जल्द होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आज 15 साल वाले जो खुशी मना रहे हैं वो कल 9 साल वाले हैं वो बड़ी खुशी मनाएं, ये संभव है, असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है, और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो राज्यपाल भी जरूरी नहीं होता है, सरकार चाहे तो कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार ये नहीं चाहती कि हर बार की तरह ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में जाए। कोर्ट के बखेड़े से बचने के लिए हर चीज पे जो ठप्पा होता है वो सरकार लगाती है, लगवाना चाहती है, और इसके लिए सरकार झुकी भी है। हमारे लिए सरकार ने एक बड़ा समझौता भी किया है, कभी अगर उसका वक्त मिला तो बताएंगे। मैं तो इतना कहता हूँ कि अशोक गहलोत साहब ने जो हमारे लिए किया है, अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए करें। जो साथी अपने डॉक्यूमेंट नहीं है, करने वाला काम बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे लिखना छोड़िए, फेसबुक पे लिखना छोड़िए, फोटो डालना छोड़िए, सिर्फ इतना काम कीजिए कि अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जिनमें आपकी शैक्षिक योग्यता, प्रशैक्षिक योग्यता नए हैं उनके सबके शादी के प्रमाण पत्र बने हुए हैं, नए जो पुराने हैं उनके शादी के प्रमाण पत्र नहीं है, विवाह प्रमाण पत्र, तो वो एक काम तैयार कर लें। इसके साथ मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन चाहिएगा, कुछ कह रहे हैं नहीं चाहिएगा, लेकिन अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन है तो दिक्कत कहाँ है, आप पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लीजिए, मेडिकल है वो आपका तुरंत होना है। किसी ने कहा नियमितीकरण होगा तो ये होगा वो होगा, आपको स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जिस लेवल पर आप हैं 10,400 का मतलब 2400 ग्रेड पे बाबू सब कॉन्स्टेबल ये LDC इनको जो मिलता है वो का वो सब कुछ, ये आपका 2800 है तो जो 13180 है ना, 13150 जो वर्तमान में ले रहे हैं, जो वर्तमान में ले रहे हैं वो उनका UDC ग्रेड है, हेड कॉन्स्टेबल ग्रेड है, कंप्यूटर निदेशक का ग्रेड है, और 3600 जो ले रहे हैं वो थर्ड ग्रेड टीचर का ग्रेड है। इसके अलावा नरेगा में कुछ JTO हैं तो उनका ग्रेड है, कुछ जो टेक्निकल लोग हैं उनका ग्रेड है, अकाउंटेंट है तो उनका ग्रेड है, जिस ग्रेड का जो मालिक है, जो जिस ग्रेड में काम कर रहा है उस ग्रेड पे उसको नियमित पद पे
नौकरी लगाया जा रहा है, नियमित पद पर नौकरी लगाया जा रहा है, आप भूल जाइए वो संविदा पर है, इस बात को भूल जाइए। जहां तक मेरा दिल कहता है, और कहते हैं दिल की बात है वो बहुत बड़ी होती है, सब बातें आगे भी होंगी, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात कहता हूँ, अपने डिपार्टमेंट से बना के चले, अपने डिपार्टमेंट के लोगों से अच्छे रिश्ते रखें, चाहे डीओ हैं, सीबीओ हैं, डीएमओ हैं, या और जो आपके उच्च अधिकारी हैं, उनसे आप थोड़ा सा मोहब्बत से पेश आए, ताकि आपका काम है वो थोड़ा सा आसान हो सके। देखिए कहा जाता है कि अधिकारी तो मिट्टी का ही बड़ा होता है, आप उससे अगर प्यार से रहेंगे तो आपको कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा, अगर आप थोड़ी अकड़ अकड़ करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं अकड़ आकर के वो आपको लटका देंगे, और एक बार लटक गए तो लटक गए। 2013 की भर्ती है, 2014 में आप लोग लटके हैं, और जो लोग लटके हैं उनको पता है कि ज़िंदगी में उन लोगों ने ये 10 साल कैसे निकाले। मेरे साथियों, बेरोज़गारी बहुत बुरी चीज़ है, हालांकि मैंने ज़िंदगी में बेरोज़गारी नहीं देखी, लेकिन अपने साथियों को देखता हूँ तो बड़ा दुख सा होता है। उम्मीद कीजिए कि आपका ये बेरोज़गारी का दौर ख़त्म हुआ, और जल्द आपको देखिए, इतना और कहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं आचार संहिता लग जाएगी, जिस दिन ठप्पा लग गया उस दिन के बाद आचार संहिता, इसमें कहीं कोई आड़ी नहीं है, जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। ये नवीन भर्ती नहीं है, ये नवीन भर्ती नहीं है, इसलिए आचार संहिता का इसमें कहीं कोई अड़ंगा नहीं आएगा। फिर भी आता है, मान लीजिए फिर भी आता है, संभावनाएं हर चीज़ की होती हैं, अगर आता है तो अपन यही हैं, मैं यहीं जयपुर में टिका हुआ हूँ। लोग कहते हैं टिकट के लिए बैठा है, कि टिकट मांग रहा है, मैंने अभी तक किसी का मुंह नहीं देखा, आज 25 तारीख से अब तक यहाँ बैठा हूँ। मुझे आपका नियमितीकरण से प्यारा कुछ नहीं है, आप नियमित हो गए मैं तो मंत्री बन गया, आप नियमित हो गए मैं विधायक बन गया। हाँ, राजनीति करता हूँ, करूँगा और करता रहूँगा, लेकिन राजनीति वो करूँगा जो आज तक किसी ने नहीं की, वो राजनीति करूँगा और करके दिखाएंगे, ऐसी क्या बात है। अभी तो उतरे हैं, अभी बहुत सारे मरहले बाकी हैं, और मैं अपने निंदक को ज़रूर ये कहता हूँ कि थैंक यू, आप मुझे गलती करने से बचाते हैं। साथियों, सभी राजस्थान के सभी मदरसा पैरा टीचर साथियों को सलाम। जिस तरह से भी शमशेर भाई ने आपको सारी चीज़ें बताई है, हमसे बेहतर शमशेर भाई ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो उच्च अधिकारियों से संपर्क में रहते हैं, बड़े नेताओं से संपर्क में रहते हैं, विधायक मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के भी साथ ही वो लोग संपर्क में रहते हैं। तो उन लोगों का काफ़ी विश्वास है इस चीज़ को लेकर के जितने भी संविदा कर्मी तमाम राजस्थान के करीब करीब परमानेंट हो जाएंगे, और 9 साल वाली जो बात आ रही है, 9 साल वाले तो करीब करीब इसके अंदर नियमित रूप से नौकरी पर लग जाएंगे। लेकिन साथियों, कुछ कन्फ्यूज़न आता है, अक्सर करके आता है, जिस तरह शमशेर भाई समझाते हैं हम समझ जाते हैं, लेकिन दिलों में जो प्रदेश के अंदर जो घर बैठे हुए अपने साथी जिन्होंने अपन से उम्मीद लगाई